أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله واللعنة الله على عداء مجمعين من الجن والإنس من الأولين والآخرين اللهم عجل لوليك الفرج رب الشهلي الصدري ويسر لي أمري وهل الأقدة من لساني يفكه قولي اللهم لعن قتلت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام रिस्पेक्टेड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स असलकुम वरम रह थैंक था। यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग आज का दिन उन्नीसवीं माह मुबारक रमज़ान वो हमारे लिए दर्दनाक दिन है कि जिस दिन हमारे आका हमारे मौला अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी अलैहिस्सलाम के सर पर इब्न मिलजु मुरादी लानतुल्लाह लाननत ने ज़रबत लगाई और हमें हमारे इमाम से जो है दूर कर दिया खुदा इमाम अमीरुल मोमिनीन के कातिलीन पर लानत करे खुदा इब्न मुलज़म पर लानत करे सहाबा को जानो कि इस सीरीज़ के आज के एपिसोड में हम जिन दो शख्सियात का जिक्र करने जा रहे हैं वो दोनों जो है करबला के शहदा में से यकन इमाम हुसैन आलाम की हदीस है कि जिस जैसे असहाब मुझे मिले वैसे न ना मेरे नाना रसूलुल्लाह को मिले न मेरे बाबा अली मुर्तज़ा को मिले न मेरे भाई हसन मुशतबा को मिले अब क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और इसीलिए हम पूरे सेवेंटी टू का जिक्र नहीं कर सकते और सबकी जो है स्टोरीज इतनी अवेलेबल भी नहीं है इसीलिए हमने उन बहत्तर में से दो अब का जिक्र जो है इस सीरीज में किया है और वो दो सहाबा है जनाब आबिस इब्न शबीब शाकिरी और जनाब जॉन इब्न हुई जनाब आबिस इबन शबीब शाकिरी कोफे के रहने वाले थे और जब लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ख़त लिखकर कर कोफे की तरफ बुलाया था तब जनाब आब सिबन शबीब शाकिरी जो थे उन लोगों में से थे जो अपने ग़ुलाम शोज बिन अब्दुल्ला के साथ लेटर लेकर इमाम हुसैन इबन आली की ख़दमत में गए थे और उन्होंने इमाम हुसैन स्ल्लाम को लेटर्स दिए थे कोफ़े वालों के जिसमें इमाम हुसैन को कोफे आने की दावत दी थी और उसके बाद जनाब आब सिबिन शबीब जो है वो इमाम हुसैन आल्लम के साथ मिल गए और उनके साथ साथ, साथ सफ़र करते हुए यहाँ तक के वो करबला पहुँचे जब करबला पहुँचे तक इमाम हुसैन के साथ और जब उन्होंने असरे जब आशूर का दिन आया और कई शहदा करबला जो है शहीद हुए तब जनाब आबिश इब्ने शबीब ने जो है देखा कि नमाज जहर भी इमाम ने अदा कर ली तब उसके बाद कई सारे शहदा शहीद हो गए तब जनाब आबिस ने अपने गुलाम शोज़ बिन अब्दुल्ला को पूछा कि तुम्हारा क्या इरादा है तो जनाब शहज़ब ने कहा मिलकर आ जो है हम, हम रसूल्ला के नवासे का डिफ़ेंड करेंगे उनको डिफेंस करेंगे तब जो है जनाब आबिस ने कहा मैं तुमसे कुछ और एक्सपेक्ट कर भी नहीं कर भी नहीं रहा उसके बाद जनाब शोजभ बिन अब्दुल्ला जो है वो गए मैदान करबला में इमाम हुसैन की इजाज़त से और शहीद हुए और उसके बाद जनाब आबस ने जो है वो आया जनाब आबिस ने कहा कि ए अब अब्दुल्ला खुदा की कसम मैं जो है खाकर कहता हूँ कि अगर इस दुनिया में दूर या नज़दीक में आपसे ज़्यादा कोई मेरे लिए नज़दीक नहीं होता यू आर द डियरेस्ट टू मी आपसे ज़्यादा मेरे लिए कोई बेटर नहीं है अगर मेरे पास ताकत होती कि आपसे तमाम जुलम ज़ोर को दूर कर दो और मैं कुछ भी कर सकता जो मेरी जान और मेरे खून से ज़्यादा है मैं डेफिनेटली वो करता ये देखिए तीन दिन की भूख और प्यास फिर भी जनाब आबिस का जो जज्बा है जो उनका पावर है जो उनका विल पावर है जो ईमा इमाम में ईमान और अकीदा है वो कितना स्ट्रॉन्ग था उसके बाद जो है उन्होंने इमाम सलाम पे सलाम भेजा और जो है अपनी इमामत की अपनी ईमान की गवाही दी और इमाम हुसैन से इजाज़त लेकर वो करबला के मैदान में गए जब वो करबला के मैदान में गए तब रबी इब्ने तमीम हमदानी कहता है मख्तल में मैंशंड है कि मैंने देखा जब आबिस आ रहे थे तो मैंने उसे पहचाना और मैं जानता था कि आबिस जो है वो शेरों का शेर है जब वो लड़ता है तब जो है लोगों लोग जो है भाग जाते हैं और कोई जो है उनसे मैदान में लड़ता नहीं है तब जनाब आबिस ने देखा कि कोई उनसे लड़ने आ नहीं रहा क्योंकि सब जो है डर रहे थे तब जनाब आबिस ने जो है अपनी ज़रा जो कोट होता है जो जिससे तलवार का वार बचता है उसे फेंक दिया अपने सर से जो हेलमेट जो सर को प्रोटेक्ट करता है वो फेंक दिया और तलवार लेकर सीधा आर्मी में जो है एंटर हो गए और जब आर्मी में एंटर हुए तो उमर साद ने ऑर्डर किया कि जनाब आबिस को जो है पत्थरों से मार कर जो है उनको जो है शहीद कर दो जनाब आबिस को पत्थरों से मार कर शहीद कर दिया गया रबीब ने तमीम कहता है कि मैंने देखा कि कम से कम जनाब आबिस ने 200 लोगों को जो है उनको कत्ल किया उनको वासिल जहन्नम किया उसके बाद जनाब आबिस की शहादत हुई और जनाब आबिस की शहादत के बाद जो है उनके उनके सर को काट लिया गया और उनकी बॉडी को इमाम हुसैन के ख़ैमे तक भेज दिया गया असर आशूर के बाद बनी असद ने जो है उनका जो है जनाजा दफन किया जनाब आबज़ जो है काफ़ी जगहों पर किताबों में मेंशन भी है जो दूसरे सहाबी है जिनका हम जिक्र करने जा रहे हैं वो हमारे मौला वाक़ा अली इब्न अभी अलैहिस्सलाम के अहाब में से हैं जिनका नाम है जनाब जॉन अब्न हुए जनाब जॉन इबिन हुए जो थे वो एक्चुअली अफ्रीका से थे और जब जनाब जाफर तैयार मदीने से वापस मदीने वापस आए थे अफ्रीका से तब जो है वो उनके साथ आए और वो जो है जनाब अब्बास अब्दुल अब्दुलब के जो है गोला में थे जनाब अब्दुल अब्दुलमत जो थे रसोल्ला के चचा थे अब जब इमाम अमीरिन अलीबन नबी तनाब जॉन को ख़रीदा और जनाब अबूजर गफ़ारी अल्हमा जिनकी स्टोरी इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे उनको जो है गिफ्ट कर दिया अब जनाब अबूज़र की गुलामी में जो है जनाब जॉन रहे जनाब अबूज़र इंशाल्लाह जिनकी स्टोरी हम पढ़ेंगे बहुत बड़े रसूल्ला के अहाब में से थे जब जनाब अबूज़र की शहादत हो गई सहराए रवज़ा में तब जो है वो जनाब जॉन अमीर उमिन के पास वापस आ गए और ऐसी रात जहाँ पर इमाम ज़ख्मी थे जनाब जॉन अमीर उमिन के साथ थे और अपनी खिदमत अहिलबैतम को तो पहुँचा रहे थे आखिर में वो इमाम अली अलिकीमामसैन और फिर इमाम हुसैन आलिम के साथ साथ मैदान करबला में पहुँचे और वहाँ जो है उन्होंने इमाम हुसैन स्ल्लाम तो से इजाज़त मांगी इमाम हुसैन ने कहा जॉन तुमने अहिलबैतम की तो बहुत खिदमत है तुम चले जाओ तुम जो है बहुत बूढ़े हो चुके और तुम जो है बहुत ज़यीफ़ हो तुम चले जाओ आई आई गारंटी तुमको जन्नत मिलेगी लेकिन जनाबे जॉन ने कहा है मेरे मौला मेरे आका क्या आप नहीं चाहते कि एक सिया गुलाम एक ब्लैक स्लेव जो है आपसे नज़दीक हो जाए अमीर इमाम हुसैन आसमाम बहुत घिरिया करने लगे उन्होंने जनाब जॉन को गले लगाया और जिहाद का इजाज़त दी जब जनाब जॉन गए उन्होंने जो है एक रजस पढ़ा जिसमें जिसमें एल बैत बैतुसम की तारीफ़ की और फिर जो है एक जंग लड़ी एक बेहतरीन जंग लड़ी उसके बाद शहीद हो गए जब वो शहीद हुए तो इमाम हुसैन आलिम उनके ज़ख्मी बॉडी के पास पहुँचे और अपने खून को जनाब जॉन के खून से मिलाया और उनके लिए दुआ की कि अल्लाह इनके चेहरे को जो है नूरानी कर दें यह दिखाता है कि इस्लाम में जो कितना एंटी रेसिज्म था जनाब बिलाल की स्टोरी भी इसका एक आ, सबूत है इनशाला सॉरी थोड़ा आज एपिसोड थोड़ा लंबा हो गया कल फिर मुलाकात करेंगे दो नए ऐसा की स्टोरी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग व आखर उदाहरबिलालवाद اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم